वेलकम बैक माय चैनल एंड यू आर वाचिंग ब्रीविंग थेरेपी। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट फॉर अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हम आज के वीडियो में प्रिंसिपल और एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं और मेथड भी डिस्कस करेंगे। इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं अल्ट्रासाउंड के, आज सारा कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हमें स्टार्ट करते हैं चॉइस ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन। क्या प्रिंसिपल है कि सबसे पहले जब भी हम अल्ट्रासाउंड मशीन का यूज करते हैं किसी पेशेंट पे, तो सबसे पहले हमें अल्ट्रासाउंड मशीन को चॉइस करना है, कौन सी एरिया को ट्रीट करना है, और उस एरिया के अकॉर्डिंग ही हमें अल्ट्रासाउंड को भी सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कपलिंग मीडियम, विच इज वेल लाइक स्टाइल हाइपोएलर्जिक केमिकली इनर्ट। मीन्स हम एक इसमें कपलिंग एजेंट का यूज करते हैं। कपलिंग एजेंट क्या होता है, जो हमारा हेड होता है, मीन्स ट्रांसड्यूसर होता है अल्ट्रासाउंड का, जब भी हम अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो स्किन पे अप्लाई करते टाइम उसके बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। गैप होगा तो वहाँ पे एयर के बबल्स बनने लगेंगे और वो जो वेव है उसे रिफ्लेक्ट करके ट्रांसड्यूसर में ही ले जाएंगे, जिससे हमारा ट्रांसड्यूसर है वो डैमेज हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि हमें कोई भी स्किन के बीच में कोई भी गैप नहीं रखना है। इसलिए हम गैप से बचाने के लिए और रिफ्लेक्शन को कम करने के लिए हम यहाँ पे एक कपलिंग एजेंट यूज़ करते हैं। कपलिंग एजेंट में एक हम जेल का यूज़ करते हैं। जो जेल का यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, हमारे जो भी अल्ट्रासाउंड का हेड है उसे स्मूथली मोबिलाइज कराता है और ये हीट को बहुत ही इजिली वे में अंदर बॉडी में पेनिट्रेट करता है। जब भी कोई हम वेव जब जाती है उसके बीच में कुछ भी आता है तो उसे हम इम्पीडेंस बोलते हैं। तो हम जब अल्ट्रासाउंड का यूज़ कर रहे हैं तो ये जेल का जब यूज़ किया है तो यहाँ पे ये जेल भी एक टाइप का इम्पीडेंस है, एक टाइप का रेजिस्टेंस है, पर ये एकॉस्टिक इम्पीडेंस होता है। एकॉस्टिक में क्या होता है, ये जो हमारी स्किन के टिश्यूज, हमारे मसल्स टिश्यूज जो प्रेजेंट होते हैं उनके ही जैसा सिमिलर इसका इम्पीडेंस होता है। सिमिलर इम्पीडेंस होने की वजह से ये इसकी जो विस्कोसिटी होती है बहुत ही कम होती है। कम विस्कोसिटी होने की वजह से इसे आराम से वहाँ पे हम सर्कुलर मोशन करा सकते हैं। और ये जेल होता है सेमी सॉलिड होता है, तो ये क्या क्या काम करता है, ये एकॉस्टिक इम्पीडेंस सिमिलर होता है सॉफ्ट टिश्यू की, और ये बहुत जो हमारी अल्ट्रासाउंड वेव है उसे ट्रांसमिशन करता है, हाई ट्रांसमिशन करता है, मीन्स रिफ्लेक्शन को बहुत कम रिफ्लेक्ट करने देता है, वेव्स को हाईली ट्रांसमिशन कर देता है हमारे स्किन पर। केमिकली इनएक्टिव होता है, जो भी केमिकल प्रेजेंट होते हैं वो स्किन पे हमारी रिएक्शन नहीं करते हैं। हाइपोएलर्जिक इफेक्ट होता है, हाइपोएलर्जिक केमिकल इनर्ट एंड इट इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव ट्रांसमिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसमिशन इफेक्ट के लिए, और ट्रांसपेरेंट भी होता है। नॉर्मली हम देख सकते हैं वाटर भी एक टाइप का इम्पीडेंस होता है, एकॉस्टिक इम्पीडेंस, बट वाटर का हम यूज़ यहाँ नहीं करते क्योंकि वाटर की जो विस्कोसिटी होती है बहुत कम होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मेथड ऑफ एप्लीकेशन। क्या क्या एप्लीकेशन के मेथड हम यूज़ करते हैं, जब भी हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं तो उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं अप्लाई करने के, वो डिपेंड करते हैं सरफेस एरिया पे। जैसे कि फर्स्ट हमारा पॉइंट है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या होता है, जब भी हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड को तो उसमें वो हम डायरेक्टली जैसे हमारी स्किन है यहाँ पे डायरेक्टली हम उसे कॉन्टैक्ट में ला सकते हैं और यहाँ पे जेल लगाएंगे। जेल लगाने से वो उसकी हीट है वो ईजिली ट्रांसफर होगी, तो ये तो हमारा डायरेक्ट करंट हो गया। पर जो हमारा डायरेक्ट करंट होता है उसकी एक स्पीड होती है, हम जब भी हेड को मूव कर रहे हैं तो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से हमें मूव कराते रहना है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की। जो डायरेक्ट जब भी हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं तो उसमें भी हम कुछ थोड़ा सा टेक्निक होती है अप्लाई करने की अल्ट्रासाउंड को, जैसे कि हमारा एक हो गया फिगर ऑफ एट करके होता है, मीन ये 8 करके फिगर हम बनाएंगे, ये ज़्यादातर ब्रॉड एरिया सरफेस के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। और एक होता है हमारा ट्रांसवर्स में करेंगे, जैसे कि हम ऐसे 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 यूज़ करते जाएंगे। तो ये और एक टेक्निक टाइट कॉन्टेक्ट का होता है टेक्निक, सर्कुलर मोशन में हम सर्कुलर मोशन करते जाएंगे। तो ये हमारे हो गए पॉइंट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की, कि हमें कैसे यूज़ करना है।
नेक्स्ट हमारा है वाटर वॉट मैटर। अब वाटर वॉट मैटर क्या होता है, मीन्स ये हमारा एक बॉक्स हो गया, कोई भी वॉट ट्यूब टाइप का, तो इसमें वाटर फिल है और हम इसमें अपना डिजिटल डिजिटल लिम्ब, जैसे कि हमने फुट को इसमें डाल रखा है, फुट को ट्रीट करना है यहाँ पे अल्ट्रासाउंड का यूज करना। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली वाटर वॉट मैटर में क्या होगा, तो हम यहाँ से अपना जो हमारा अल्ट्रासाउंड का हेड है उसे हम यहाँ से वाटर के अंदर डिप कराएंगे, और यहाँ से हम थोड़ी थोड़ी सी डिस्टेंस से हम अप्लाई करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। बट हमें याद रखना है जो हम ये जो बॉट यूज़ कर रहे हैं उस वो हमें प्लास्टिक का नहीं करना है, प्लास्टिक का करेंगे तो ये हीट को अब्जॉर्ब कर लेगा, हीट अब्जॉर्ब कर लेगा तो उतना इफेक्ट हमारे लिम्ब पर नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे प्लास्टिक है तो हीट को अब्जॉर्ब करने से समझ सकते हैं थोड़ा सा मेल्ट हो सकती है, तो हमेशा हमें मेटल का यूज़ करना है, मेटल का कंटेनर यूज़ करेंगे तो ये हीट को अब्जॉर्ब नहीं करेगा। कुछ चीज़ें होती हैं वो ध्यान रखनी होती है जब वाटर वॉच मैटर का यूज़ करते हैं, जैसे कि जो हमारा हेड है अल्ट्रासाउंड का, तो उसको हमें डिस्टेंस में रखना है 1 to 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में हमारे अल्ट्रासाउंड का हेड को रखना है, और जो हम वाटर इसमें यूज़ कर रहे हैं वो वाटर हमेशा हमारा डाइजेस्ट वाटर होना चाहिए। अब डाइजेस्ट वाटर मीन्स क्या होता है कि जो हम वाटर यूज़ करते हैं ना, पहले तो हम उसे गर्म करेंगे उसके बाद ठंडा करेंगे, तो वो वाटर हमें यूज़ करना है, हमें डायरेक्टली टैप वाटर यूज़ नहीं करना है। तो ये कुछ वाटर बॉथ मेथड हो गया। हम नेक्स्ट हमारा है वाटर बैग मेथड। वाटर बैग मेथड में क्या होता है कि हम कोई भी एरिया है, जैसे कोई इरेगुलर सरफेस वाला एरिया है, तो वहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि हमारा एंकल ज्वाइंट हो गया तो वो थोड़ा सा इरेगुलर होता है लेटर मीडियल मैनुलस की वजह से, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बैग लेंगे बैग टाइप का, जैसे हमारी स्किन है तो ये इरेगुलर स्किन है तो यहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड का नहीं यूज़ सही से कर सकते, वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट का, तो हम बैग मेथड का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा बैग हो गया, तो हम इसे यूज़ करेंगे, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम जेल का फॉर्म, तो यहाँ पे हमें जेल लगाना है, जेल लगाने से आराम से हीट ट्रांसफर होगी, और वाटर बैग के ऊपर भी हमें जेल लगाना है, यहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ करेंगे, यहाँ से हम अल्ट्रासाउंड से हीट देंगे, फिर वो जेल लगाएंगे तो जेल क्या करेगा, इस हीट को ट्रांसफर करेगा बैग में, बैग क्या करेगा फिर यहाँ जेल लगाए तो फिर से जेल हीट ट्रांसफर करेगा हमारी स्किन, तो हमें जेल का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जेल पैड फॉर ओपन, जो हमारे ओपन बुन है तो वहाँ पे हम जेल पैड का यूज़ कर, डायरेक्टली हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ओपन बुन है, तो स्किन से इन्फेक्शन जो होगा वो स्प्रेड हो सकता है ब्लड वेसल से थ्रू, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, जैसे कि हमारा कोई भी लिम है जिसमें इन्फेक्शन है यहाँ पे ओपन बुन है, नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिकेशंस, क्या अल्ट्रासाउंड के इंडिकेशन होते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है सॉफ्ट टिश्यू शॉर्टनिंग। सॉफ्ट टिश्यू शॉर्टनिंग क्या होता है, जब भी हमारे कोई ज्वाइंट पे कुछ लिमिटेशन आ जाते हैं, लिमिटेशन या ज्वाइंट हमारे रिस्ट्रिक्ट होने लगता है, उसका जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो बहुत कम होने लगता है, तो उस जगह पे हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड वहाँ पे क्या करता है कि जो मसल्स है जो लिमिटेशन आ रहे हैं तो वहाँ पे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, और वहाँ पे जो भी रेंज ऑफ मोशन है उसे भी इंक्रीज कर देगा, लिमिटेशन है उसे जो रिस्ट्रिक्शन हो रहा है उसे कम कर देता है, तो इसमें हम यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा है स्कार टिश्यू मोबिलाइजेशन। ये जब भी कोई स्कार हो जाता है किसी भी ज्वाइंट पे किसी भी लिम में, तो क्या हुआ वहाँ पे अल्ट्रासाउंड का यूज़ करेंगे तो अल्ट्रासाउंड वहाँ की जो थर्मल इफेक्ट होता है उसे इंक्रीज कर देता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस इंक्रीज कर देता है, तो उससे क्या होता है जो भी स्कार होते हैं वो ब्रेक होने लगते हैं, वहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड मसाज का यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर दे सकते हैं,
ये नेक्स्ट हमारा है पेन रिलीफ। पेन रिलीफ में क्या होता है, पेन होता है टू टाइप से होता है, एक अक्यूट होता है, एक क्रोनिक होता है। अक्यूट केसेस में हम पल्स मोड का यूज करेंगे और क्रोनिक केसेस में हम कंटिन्यूअस मोड का यूज करेंगे। एक्यूट केस में कैसे काम करेगा, जैसे हम पल्स मोड का यूज करते हैं तो जो हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेज होता है नर्व कंडक्शन के लिए, तो उसमें ये क्या करेगा, जो सोडियम होता है उसे एंटर नहीं होने देगा नर्व में, और जो उसको डिपोलाइजेशन नहीं होने देगा, डिपोलाइजेशन नहीं होगा तो उसको जो पेन के जो रिसेप्टर है वो ब्रेन तक सिग्नल को लेके नहीं जा पाएंगे। तो ये हो गया, और पेन गेट मैकेनिज्म का भी हम यूज करते हैं, थोड़े केस में यूज करते हैं। कंटिन्यूस मोड लेंगे तो ये थर्मल इफेक्ट देगा, ब्लड वेसल्स इंक्रीज होगा और हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी, जो भी हमारे नर्व में केमिकल नॉइसेज होते हैं जो इरिटेट करते हैं हमारे नर्व को, उन्हें वॉश आउट कर देगा। अल्ट्रासाउंड का यूज करेंगे तो हमारे जहाँ अल्ट्रासाउंड का यूज करते हुए, जैसे कोई क्रोनिक पेन है तो वहाँ पे अगर टेंडरनेस आ रही है, टेंडरनेस आ रही है तो हमें डायरेक्टली ऐसे अल्ट्रासाउंड का यूज नहीं करना है। हम जो अल्ट्रासाउंड जो कपलिंग एजेंट होता है, मीन जेल होता है, उस जेल में हम एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स का भी यूज कर देंगे। उससे यूज करने से जो हमारे उस एरिया पे टेंडरनेस हो रही है वो कम हो जाएगी, जो स्वेलिंग है, एडिमा है, वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है फ्रैक्चर हीलिंग। फ्रैक्चर हीलिंग में क्या होता है, मेनली हम इसे फ्रैक्चर हीलिंग के लिए यूज नहीं कर पाते हैं यहाँ पे अपने क्लिनिक में। फ्रैक्चर हीलिंग के लिए जो हम अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं उसे लाइपस बोलते हैं, मीन्स LIPUS। ये क्या है, लो इंटेंसिटी पल्स अल्ट्रासाउंड, इसका यूज करते हैं हम फ्रैक्चर हीलिंग के लिए। नेक्स्ट हमारा है बोन हीलिंग। बोन को हील करने के लिए, मीन्स हम जब अल्ट्रासाउंड का यूज करेंगे तो वहाँ पे जो थर्मल इफेक्ट की वजह से ब्लड वेसल्स होंगी वो बस डायलेशन करेंगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, तो वहाँ पे जो हीलिंग प्रोसेस होगा वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है अल्ट्रासाउंड के। जैसे कि हमारा हो गया मैलिग्नेंट ट्यूमर, मीन्स जिस कोई भी पेशेंट है जैसे ट्यूमर है, मैलिग्नेंसी है, तो वहाँ पे भी हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ट्यूमर को स्प्रेड होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंट लेडी में हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि जो इसकी जो वेव होती है बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की होती है, इसलिए हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। मेटल इम्प्लांट, मेटल इम्प्लांट में क्या होगा, कोई भी पर्सन है इसको मेटल का इम्प्लांट हुआ है तो हम उस जगह अगर अल्ट्रासाउंड का यूज करेंगे तो जो मेटल है हमारी वो हीट को अब्जॉर्ब कर लेगी और वो बहुत ज्यादा वार्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, जिससे हमारे जो सीधा के टिश्यूज होते हैं ना बर्न कर सकती है, डैमेज कर सकती है। नेक्स्ट हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आसपास भी हमें अल्ट्रासाउंड का यूज नहीं करना है क्योंकि अल्ट्रासाउंड की वेव बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की होती है। नेक्स्ट हमारा ओवर द आईज, आईज के आसपास भी हमें इसे यूज नहीं करना है। और नेक्स्ट हमारा प्लास्टिक कंपोनेंट, प्लास्टिक कंपोनेंट में भी हमें यूज नहीं करना है क्योंकि प्लास्टिक कंपोनेंट में ही यूज करें। नेक्स्ट हम कुछ एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं अल्ट्रासाउंड के, जैसे कि हो गया हमारा बर्न। अल्ट्रासाउंड का यूज करने से उस एरिया में बर्न भी हो सकता है ज्यादा हीट की वजह से। नेक्स्ट हमारा ब्लड वेसल एंडोथीलियम डैमेज, जो ब्लड वेसल की एंडोथीलियम होती है वो डैमेज हो सकती है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है इसके बारे में। तो ये हीट की वजह से हमारे जो वहाँ पे बबल फॉर्म हो जाते हैं, बबल क्या करते हैं, वो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, ब्लड वेसल्स होती है, उन्हें डैमेज कर देते हैं पुश एंड पुल करके। एंड नेक्स्ट हमारा है क्रॉस कॉन्टामिनेशन एंड स्प्रेड इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन को भी स्प्रेड कर सकती है ब्लड वेसल्स के थ्रू। नेक्स्ट है ब्लड सेल स्टेसिस, ब्लड सेल्स हमारी स्टेसिस डाइड होने लगती है। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा।